के रीजनल पार्क स्थित शमशान घाट पर बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहां पर महादेव नगर निवासी कड़वी बाई की मृत्यु होने के बाद उनका अंतिम संस्कार रीजनल पार्क स्थित शमशान घाट पर किया गया, जिसके बाद पता चला कि कड़वी बाई की अस्थियां किसी और को दे दी गई, जिसके बाद परिजनों के अधिकारियों से काफी देर तक बहस चलती रही। इसके बाद मृतक परिजनों ने अखिल भारतीय बलाई महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार को सूचना दी। वो मौके पर पहुंचे और परिजनों के पक्ष में अधिकारियों से बात की। इस संबंध में जब मीडिया कर्मियों ने जिम्मेदार निगम अधिकारी अजीत कल्याणी प्रताप सिंह सोलंकी से चर्चा की तो दोनों इस विषय से बचते हुए नजर आए। क्या 11 नंबर स्टेज पे किया गया था और उनकी राख सोरनी अर्थात तीसरे का कार्यक्रम आज था। धार्मिक मान्यता के अनुसार, धार्मिक परंपराओं के अनुसार आज तीसरे के दिन अस्थियों का संचय किया जाता है। अस्थियों को संचय करके जो है पिंडदान किया जाता है, वहाँ पर गोबर से पवित्र करके, गौमूत्र से पवित्र करके उसको लिपा जाता है, ताकि दूसरी अस्थियाँ भी वहाँ पर दूसरा सौदाह हो सके। और इन अस्थियों को एकत्रित करके हम गंगा जी, छिपरा जी या नर्मदा जी में प्रवाहित करते हैं, जिससे हमारे धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, परंपरा के अनुसार मृत व्यक्ति की जीवात्मा को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है, ऐसी हमारी किंवदंती मान्यता है। आज उन धार्मिक आस्थाओं को आहत करते हुए रीजनल पार्क स्थित यह शमशान घाट में यह कृत्य हुआ है कि यहाँ पर अस्थियाँ बदली गई है। ऑफिस का काम है रजिस्टर मेंटेन करने का। यहाँ ट्रस्ट के कर्मचारी हैं जो लकड़ी जमाते हैं और जो तीसरा करते हैं सफाई करते हैं। यहाँ रीजनल पार्क मुक्तिधाम विकास समिति का ट्रस्ट बना है, उसके कर्मचारी हैं, उनको सैलरी दी जाती है, प्राइवेट कर्मचारी हैं वो, ये उनका काम रहता है। नहीं तो अर्थी का ही जो सजोगने का काम किसका है? वो कर्मचारी कर रहे हैं ट्रस्ट का। तो आप कौन हो यहाँ पे? मैं रजिस्टर मेंटेन करता हूँ। यहाँ पे मेन कौन है यहाँ पे भैया? रामशंकर वर्मा जी हैं, अध्यक्ष हैं यहाँ के। तो वो अस्थियाँ वो उठा के सब जमाते हैं क्या? वो नहीं जमाते हैं, कर्मचारी करते हैं यहाँ। तो कर्मचारी किसकी जिम्मेदारी है? ये कर्मचारियों की है जिम्मेदारी बनती है। तुम यहाँ पर अधिकारी हो? ऑफिस का जो अंतिम संस्कार होता है उसको जिनके माता पिता जो भी जिनका संस्कार हुआ था, यहाँ पे जिनका संस्कार हुआ था, अब वो तीसरा कैसे करेंगे? तो अभी हिंदू धर्म की मान्यता ऐसी है ना, अपन जब तक नहीं करें पिंडदान वगैरह नहीं करें, जब तक मुक्ति मिलती नहीं है।